थर्ड क्या? थर्ड हाँ, ये तो हुई 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सेम चीज। एक एक कोऑर्डिनेट तो एक्स्ट्रा आया है, इसमें एक जेड एक्स्ट्रा आ गया, उसमें जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले में एक्स्ट्रा आ गया। अब जो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्पेशल चीज है, जो एक डिफरेंस है, वो क्या है? सुनो भाई, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था, मेरे पास एक प्लेन होता था, एक्स वाई प्लेन। नॉर्मली तो हम एक्स वाई प्लेन में डील करते थे, मतलब ठीक है। तो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरे पास क्या था, एक प्लेन था, ये रहा ब्लू वाला और ब्लैक वाला, चेंज कर देता हूँ, ब्लैक वाला और ब्लैक वाला, ब्लू वाला एंड जेड। हाँ, तो ये जो ब्लैक वाला है, ये तो मेरा 2D का प्लेन है। अब 2D के प्लेन में क्या होता था, जैसे एक लाइन है, एक लाइन जो है उसकी डायरेक्शन के लिए मेरे को स्लोप से काम चल जाता था, और वो स्लोप भी जो है मैं एक्स एक्सिस से लेता था सिर्फ एंगल। उसकी एक वजह थी, बहुत पर्टिकुलर रीजन था उसका, क्योंकि एक्स एक्सिस से अगर 30 बना रहे तो वाई से 60 बनाएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में 90 है, लॉजिकल सी बात है। आप लॉजिकली सोचेंगे तो आपको सेंसिबल लगेगी चीज। मेरे पास 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप देने के लिए महज एक्स एक्सिस से एंगल दे देने पे मुझे लाइन की डायरेक्शन पता पड़ जाती थी, ठीक है। उसकी वजह बहुत सिंपल है, और वो ये है कि वाई से डायरेक्शन, वाई से एंगल मेरे को बाय डिफॉल्ट पता है, इसलिए मुझे कभी उसका यूज ही नहीं पड़ा। एक्स का थीटा लेके टेन थीटा लेने से मेरे को स्लोप मिल जाता था। लेकिन 3D में क्या है, 3D में जैसे लाइन इस तरह से है, तीनों से कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। इस बार एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल अगर सपोज 30 डिग्री है, तो वाई से बनने वाला 60 तो नहीं है, मुझे उम्मीद है शायद आपको बात समझ में आएगी कि 60 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा है, क्योंकि इसका और इसका सम 90 होना थोड़ा मुश्किल है। 90 तब होता जब वो इस प्लेन में होता, थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर गए तो दोनों से एंगल बढ़ गया। नहीं समझ में आ रहा, जब मैं इसे इस वाले प्लेन वाली चीज को थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके आगे ले आया तो एंगल बढ़ा ना भाई, दूर हुई ना चीजें। इस समय जेड से एंगल कितना था, 90, ऐसे ले गया थोड़ा सा कम हो गया, जेड वाला कम हो गया लेकिन एक्स वाई वाला बढ़ गया, लेकिन कुल मिला के तीनों में से किसी भी दो के, दो से बनने वाले एंगल का सम 90 तो नहीं है, 90 से ज्यादा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कितना ज्यादा है और वो जो भी फलाना डीम का, आई डोंट केयर। लेकिन इस बार इसकी डायरेक्शन देने के लिए मुझे एक्स से एंगल, वाई से एंगल और जेड से एंगल, तीनों से एंगल की जरूरत पड़ती है, तीनों से अलग अलग जो एंगल बन रहे हैं उन एंगल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलो, ये जो एंगल्स है ना, जो एक्स वाई जेड एक्सिस से बनते हैं किसी भी वेक्टर के, इन्हें बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ये मेरी अलग चीज है 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, डायरेक्शन एंगल्स। एंड इसी में लिख लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। लेट एक वेक्टर ले लेते हैं ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, एक्स वाई जेड, एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए वन ए टू ए थ्री दिए गए हैं, तो ओपी वेक्टर ही मेरा ए वेक्टर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये जो ओपी वेक्टर है, ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, ये जो वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा, और ये जो जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है गामा, ये अल्फा बीटा गामा कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल्स। कोई भी वेक्टर 3D प्लेन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल्स। और ये कोसाइन है, तो कोसाइन तो क्या होगा, उन एंगल्स का कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा, ठीक है। लिखिए, द एंगल विच अ वेक्टर द एंगल विच अ वेक्टर
a vector, small a vector, makes with x, y and z axis respectively are called direction angles. ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप अल्फा बीटा और गामा. 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी लाइन की डायरेक्शन देने के लिए इन डायरेक्शन एंगल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. ठीक है, #2 कोसाइन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा. कोसाइन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा are called direction cosines and denoted by L, M, N respectively. इनके जो cosines होंगे ना, cos alpha, cos beta, cos gamma, cos alpha, cos beta, cos gamma जो होंगे वो L, M और N से डिनोट किए जाते हैं और वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं. ठीक है सर, अब सुनिए एक बात है सिंपल सी. अगर कोई मेरे से कॉस अल्फा पूछता है तो भाई साहब वेक्टर की नजरों से तो ये बहुत ही लिचड़ क्वेश्चन है. मतलब सुनना ध्यान से, हु इज अल्फा. आपने डायरेक्शन एंगल में क्या लिखा है, द एंगल विच अ वेक्टर ए वेक्टर मेक्स विद एक्स वाई जेड. लिखते सीधे ही पॉजिटिव एक्स वाई जेड गुलाबचंद मेक्स विद पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. अरे एक्सिस भी तो ऐसे होते हैं ना भाई साहब, इधर से भी बन रहा है यार, ऐसे क्या कर रहे हो हैं. अरे एक्स ही बन रहा है, माइनस एक्स एक्स तो बन रहा है डायरेक्शन, तो प्लस से लेना है हमें. तो प्लस से जो एंगल है वो डायरेक्शन एंगल कहलाता है. ठीक है, कर क्या रहा था मैं, हाँ जैसे कॉस अल्फा है तो सुनो प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मुझे कोई वेक्टर पता होता है क्या. आई कैप है ना भाई साहब, सबसे शानदार चीज. तो ये जो आई कैप है, क्या ये अल्फा एंगल आई कैप और ए वेक्टर के बीच का एंगल है? बिल्कुल, आई कैप और ए वेक्टर के बीच दो वेक्टर अगर मुझे पता है तो उनके बीच का एंगल, तो डॉट प्रोडक्ट से सबसे आसानी से निकल सकता है. तो बोलो कॉस अल्फा बराबर क्या लिखना है जल्दी से. ए वेक्टर डॉट आई कैप अपॉन ए वेक्टर का मॉड इनटू आई कैप का मॉड. पूरा फॉर्मूला तो लिखे. आई कैप का मॉड तो क्या हो गया, ए वेक्टर का मॉड बोलो जल्दी से. A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और ऊपर A1. दिस इज L. ठीक है, ये जो काम मैंने किया ये नसरत के हिसाब से पाप है. NCERT के हिसाब से ये जो ड्रामा है ये पाप है. तो L बराबर दिस फॉर नसरत. ठीक है, NZ L बराबर ये खत्म, बात बस फिनिश, डिस्कशन नहीं है उसके बाद. ठीक है, देखो NCERT में तो शायद पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है वैसे, शायद वेक्टर की भी बात नहीं करी गई होगी कि वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन या वो लाइन की डिफाइन किए जाते हैं डायरेक्ट. तो अब हम तो लाइन की भी तो कोई डायरेक्शन होती है, लाइन भी तो किसी वेक्टर के अलोंग होती है ना भाई साहब, तो हम वेक्टर की निकालना सीख जाते हैं तो लाइन की भी आई जाएगी. अरे भाई साहब यहाँ कोई लाइन है ऐसे, यहाँ से एकदम ऐसे लाइन जा रही है एक स्ट्रेट लाइन, तो उस लाइन के अलोंग कोई वेक्टर होगा ना, तो मैं तो वेक्टर के डायरेक्शन को साइन निकाल लो चाहे लाइन के निकाल लो, तो हम थोड़ी देर में इन्हें लाइन के बोलने लग जाएंगे. डिफाइन इससे कर लें क्योंकि हमारे लिए ये आसान है, नहीं तो मैं ये समझाऊंगा कि यहाँ पॉइंट पी है, उसे ओरिजिन से मिलाया, उससे एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर गिराया, मान लो वो परपेंडिकुलर ए पे जाके मिला,
किसमें मिला? ए पे। तो ये ए पे 90 बना रहा है, ये तो मैं फिर भी मनवा देता हूँ, लेकिन ये जेड पे जब परपेंडिकुलर गिराया तो बेटा यहाँ भी 90 बन रहा है, इसमें क्या है कि बाल खड़े हो जाते हैं, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कौन भैया, क्यों इतनी फाइट मार? ये है ना इतना बढ़िया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट करे। जब चीजें हमारे पास आसान है तो हम आसानी से समझ लेना है। ड्रामा तो वही चल रहा है, एक लाइन यहाँ पे है, वो मेरा ओरिजिन है, वो एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से कोई एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस से कोई एंगल बना रही है। अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराओगे, उस पॉइंट को ए मान लिया जाए, तो ओ पी ए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, सही है। और उस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, हम पहले कर चुके हैं काम, उस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, A1, 0, 0। तो वो जो कॉस अल्फा होगा, कॉस क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, A1, और हाइपोटेनस ये कितना है, मॉडे रूट A1 स्क्वायर, सॉरी इसकी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एनसीईआरटी वाले तो सीधे सीधे बोलते हैं, भाई साहब ये जो इसका प्रोजेक्शन है, A1 अपॉन ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यार, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही तो कॉस अल्फा होता है यार। होता है, नहीं होता यार, मैंने दोनों तरीके से बता दिया। आप चाहें तो उस तरीके से भी समझ सकते हैं, और ये तो हमारा बढ़िया आइटम है ही। इस हिसाब से लंगूर अगर ये आया तो मंकी क्या आना चाहिए, क्या लगता है आपको? A2 upon root under A1 square plus A2 square plus A3 square and null layak is equals to A3 upon root under A1 square plus A2 square plus A3 square। ये एल एम एन जो है, ये वैल्यूज हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की। कोई समस्या? नोट 1, एक नोटिस करने वाली बात थी, एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, एल एम एन, इन तीनों को अगर स्क्वायर करके जोड़ा जाए तो ऊपर इधर बन गया A1 स्क्वायर, इधर बन गया A2 स्क्वायर, इधर क्या बन गया, इनको जोड़ देंगे तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा और न्यूमरेटर भी आ जाएगा, तो कितना बन गया, वन। मुर्गियां, समेशन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर अल्फा बीटा गामा किसी भी वेक्टर के या किसी भी लाइन के 3D में डायरेक्शन एंगल्स हैं, तो उनके कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा इंप्लाइज समेशन साइन स्क्वायर अल्फा इज 0। जबरदस्ती 0, गेलशिप पे होगा बिल्कुल 0, क्यों, कॉस 1 है इसलिए साइन 0। अब गेलशिप 2, जल्दी आंसर नहीं, एकदम भावुक नहीं होना है, कॉस 1 है तो साइन 0 होगा। यार मैं नहीं बता रहा कैसे है, इन सब से बहुत ऊपर हो चुके तुम लोग, भाई साहब पापी हो तुम लोग। हाँ क्या करते, वन वन आपके मन में अगर गलत गलत ख्याल आ जाएंगे मास्टर तो बता ही नहीं रहा, तो नहीं बताएगा भाई, अपनी उम्र का तो लिहाज करो कम से कम। क्या तुम्हें इसे डबल एंगल में कन्वर्ट करना आता है, कॉस कर अल्फा बराबर डबल एंगल में, देखो 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2, फिर ऐसी कॉस कर बीटा को, ये तीन तीन है तुम्हें पता ही है, एक नहीं है, कितने, तीन तीन, तो बट्टा दो बट्टा दो बट्टा दो, 3 बार आएगा तो उधर जाके 2 हो जाएगा, और इधर 1 1 1 3, 3 उधर गया, 2 माइनस 3 -1। मजा नहीं है। नोट 2, इंपॉर्टेंट, इफ डायरेक्शन एंगल्स If direction angles of OP vector
इज अल्फा बीटा एंड गामा. इफ डायरेक्शन एंगल्स, ये बहुत काम आता है एक्चुअली. नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग इनटू 3D. आप एक चीज, लास्ट डिस्क्लेमर, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वेक्टर, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ इजी बनाना चाहते हैं. अगर आप कोऑर्डिनेट, आप 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उसकी NCERT की थ्योरी पढ़ेंगे तो हो सकता है ऐसी लाइनें आपको ना मिले. इनको कोई सेंस नहीं है उसमें, ठीक है. हम क्यों पढ़ रहे हैं मैं बता देता हूँ. एक्चुअली क्या होता है, हमारे लिए OP वेक्टर OP वेक्टर है और PO वेक्टर PO वेक्टर है हमारे लिए. लेकिन एक बात है, क्या बात है, ये लंबा पेन क्यों नहीं यूज़ करते तुम लोग, वो तीन तीन चार चार टाइम से आता है, किसी के पास है? दे जब यही देते, फिर इसी से काम चलाना पड़ेगा. वो दे, वो पेन लाइन जैसा लगता भी है, ठीक है. हाँ, अब से इसको, ये लाइन है एक्चुअली, है ना. लाइन और वेक्टर में डिफरेंस होता है. जैसे लाइन मान लो ओपी वेक्टर के पैरेलल है, सपोज दिस लाइन इज पैरेलल टू ओपी वेक्टर. मेरे को एक्चुअली ओपी वेक्टर की डायरेक्शन पता होती है, मुझे जो डायरेक्शन दी जाएगी वो किसी वेक्टर की होगी भाई. लेकिन एक सोचने वाली बात है, इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू ओपी वेक्टर, दिस इज पैरेलल टू पीओ वेक्टर एज वेल. लाइन इज वाई डायरेक्शनल ना, उधर भी जा रही इधर भी जा रही है. तो एक्चुअली लाइन की तो क्या दो डायरेक्शन हो सकती है, एक ओपी वेक्टर की भी हो सकती है और एक पीओ वेक्टर की भी हो सकती है. इसलिए मेरे को इस वाले नोट की जरूरत पड़ती है. मैं यार नोट इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि अगर मेरी लाइन ओपी वेक्टर, हालांकि मेरे लिए पीओ वेक्टर सोचना बहुत आसान है भाई साहब. अगर ओपी वेक्टर A1 A2 A3 है तो पीओ वेक्टर क्या होगा, -A1 -A2 -A3 भाई साहब. इसमें कौन से हमने कोई पहाड़ तोड़ दिए. तो बेसिकली कभी भी अगर किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन लिखने होंगे तो दो आएंगे, एक प्लस डायरेक्शन एक माइनस डायरेक्शन, क्योंकि लाइन बाई डायरेक्शनल है यार. लॉजिकल सी बात है, मेरी बातें समझ में आ रही है सबको, ठीक है. तो हमने, हम एक बार इसे वेक्टर की तरीके से लिख रहे हैं. इफ ओपी वेक्टर इज, ओपी वेक्टर इज, अच्छा और भी कुछ था भाई इसके आगे. इफ डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ओपी वेक्टर इज अल्फा बीटा एंड गामा, देन द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ पीओ वेक्टर will be pi minus alpha, pi minus beta and pi minus gamma. ये अपन एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं भाई, देखो सीधी बात है एकदम, ठीक है. मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ऐसे ओपी वेक्टर है, तो जो पीओ वेक्टर होगा वो पीछे की साइड होगा. ऐसे बना लें पीओ वेक्टर, वैसे तो ऐसे ही बनाना चाहिए था लेकिन मैं नीचे की तरफ बना दिया, वो एंगल मेजर करने के लिए. अरे एंगल तो टेल टू टेल, टिप टू टिप मेजर करूंगा ना भाई साहब. तो ये एंगल अगर अल्फा है, देखो एक बात तो डन है, क्या ये जो आई कैप है, मैं बहुत लॉजिकल चीजों की तरह समझाता हूँ, ये आई कैप है, ये मेरा ए वेक्टर है. आई कैप और ए वेक्टर, देश दुनिया में क्या हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर मेरे को सिर्फ एक्स एक्सिस और मेरे वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, मेरा वेक्टर भले टेढ़ा हो लेकिन आई कैप और मेरा वेक्टर कोप्लेनर है, क्योंकि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है, ठीक है. तो मैं इसको ऐसे ऐसे टेढ़ा देखने की बजाय ऐसे सीधा रख के, चंदा रख के निकाल लूंगा ये वाला एंगल. ये एंगल आ गया, पीओ वेक्टर नीचे है. अगर ये एक ही प्लेन के अंदर है तो ये 180 डिग्री वाला लॉ फॉलो करेंगे भाई साहब, 180 डिग्री लॉ तो फॉलो करेंगे ही. ये और ये तो कोलिनियर ही है यार, तो ये इसके साथ अल्फा बना रहा है, तो ये वाला यही तो बोल रहे हैं, वही सेम काम वाई एक्सिस के साथ है. क्या पी ए वेक्टर और जे कैप कोप्लेनर होंगे? हाँ होंगे भैया, दूसरा प्लेन होगा यार. ये अगर वेक्टर ऐसे हैं और वाई ऐसे हैं तो ऐसे कोई प्लेन जा रहा होगा, प्लेनर तो है ही. टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, उनके प्लेन भले अलग अलग हों, y के साथ अलग प्लेन में जा रहा हो, z के साथ अलग प्लेन में जा रहा हो, x के साथ अलग प्लेन में जा रहा हो, ऐसे टेढ़ा, आई डोंट केयर, पर दो तो कोप्लेनर होंगे ना. तो x के साथ अगर अल्फा बना रहा है ये, तो पीओ वेक्टर कितना बनाएगा, पाई माइनस अल्फा. सेम केस विद y, सेम केस विद z, ठीक है. ये तो मैंने आपको इमेजिनेशन वाले तरीके से बताया, बाकी ये तो वैसे लॉजिकल है. अगर
ओपी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, तो पीओ वेक्टर के माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, पूरा वेक्टर पढ़ना खराब हो गया। अब ये ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर है यार, तो उसके इनके आगे माइनस ही तो लगाओगे, दैट्स इट। ठीक है, वो माइनस का लॉजिक इससे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉस पाई माइनस अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा। क्लियर है क्या?